नमस्कार दोस्तों राधे राधे तो आज आप अपना सी ए फाइनल का लास्ट एग्जाम इंडारेक्ट टैक्स का एग्जाम देके आ गए होंगे तो मैं आज इस वीडियो में इंडायरेक्ट टैक्स का पेपर का रिव्यू करूंगा कि कैसा पेपर आया था अगर पेपर की बात करें इंडाक्ट टैक्स की तो ये बिलो एवरेज पेपर था बिलो एवरेज पेपर था क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन थे आई के पुराने जो क्वेश्चन थे या फिर आई के स्टडी मैट में से जो क्वेश्चन थे वो बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन थे एक आध एडजस्टमेंट नया करने के बाद आपको वो सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हाँ कुछ लोगों को ये एवरेज लग सकता है क्यों क्योंकि लेंथी था पेपर उसकी वजह से आपको एवरेज लग सकता है अगर आपने शुरू से स्पीड पकड़ के रखी होगी तो आप कंप्लीट करने में इजी हुआ होगा वरना थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो सकती है कंप्लीट करने में क्योंकि लेंथी था एग्जाम पेपर अब जो टोटल डिस्क्रिप्टिव आपका एटी मार्क्स का पेपर आता है उसमें से अगर हम कैटेगरी वाइज देखें जो आपको एबीसी कैटेगरी कम्युनिकेट की गई थी उसमें से सिक्सटी मार्क्स का जो एग्जाम पेपर था वो

ऐड कर दी गई और एक आधर्जमेंट रिमूव कर दी गई और सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और आपको सोल्व भी कराया गया था आई की क्वेश्चन वीडियो में ये मार्क्स का क्वेश्चन था देन और इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बनाई गई थी उसमें भी आपको सोल्व कराया गया था उसके साथ साथ केस सिनेरियो भी है इस सेम क्वेश्चन uh, पे तो उस केस सिनेरियो को भी सोल्व कराया गया था आपके केस सिनेरियो वाले वीडियो में बस इसमें एक पॉइंट एडिशनल ऐड कर दिया गया था जो सेपरेटली आपको देखना था जो भी मैनेजेबल था देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी की तो सेकंड का जो बी था वो कस्टम में से था कस्टम वैल्यूशन का क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में आपको इसके मिल जाएंगे कोई भी नया एडजस्टमेंट इसमें नहीं था पुराने एडजस्टमेंट ही थे और सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे देन बात करें क्वेश्चन थ्री की तो क्वेश्चन थ्री पूरा न्यू क्वेश्चन था क्वेश्चन थ्री का पार्ट ए की बात करें तो ये एग्जामेशन चैप्टर में से था और अगर आपने एक दो बार एग्जामेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसे मैनेज कर सकते थे आप इसको इजीली मैनेज कर सकते थे अगर बी की बात करें तो कॉम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कॉम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था अगर आपके कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो ऐसे केस में आप इसको मैनेज कर सकते थे नया क्वेश्चन था बट आप इसको मैनेज कर सकते थे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे नया क्वेश्चन था देन सी पार्ट की बात करें तो ये भी कस्टम के वैल्यूशन चैप्टर से था कस्टम के वैल्यूशन चैप्टर से था अगर आपके कस्टम के कंसेप्ट क्लियर हैं वैल्यूशन चैप्टर के तो आप इसे मैनेज कर सकते थे उसके बाद क्वेश्चन फोर की बात आती है क्वेश्चन फोर था रिफंड से रिलेटेड रिफंड भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड था और उसके रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा बेसिक क्वेश्चन था इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का और ऐसे ही क्वेश्चन का अपन ने एग्जाम्पल लेके रिविजन वीडियो में भी समझाया हुआ था तो आपको ये इजी क्वेश्चन था मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन था देन अगर अपन बात करें फोर्थ बी की

जो ए पार्ट था वो ऑफेंस एंड पेनल्टीज चैप्टर से था ऑफेंस एंड पेनल्टीज चैप्टर से था और रिपीटेड क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में है और इसके बहुत सारे डाउट्स भी बच्चों ने पूछे थे तो वो सॉल्व किए गए थे तो ये सेम क्वेश्चन डिटो का डिटो सेम क्वेश्चन वहां पे आ गया है फाइव का जो बी पार्ट था वो एडवांस रूलिंग से रिलेटेड था एडवांस रूलिंग में भी सेम क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन बैंक में है ऑलरेडी आईसीआई ने पहले कभी पूछा होगा पास्ट एग्जाम पेपर में तो सेम ऐसा क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे था क्वेश्चन और वही यहाँ पे रिपीट हुआ है देन जो सी पार्ट था सी पार्ट बैगेज रूल में से था बैगेज रूल में से क्वेश्चन था और उसमें हमने अगर किसी ने पूरा मैराथन देखा होगा एंड तक तो हमने जो लास्ट में बैगेज का जो चैप्टर किया था बैगेज में हमने एक ही क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन 43 और क्वेश्चन 43 का ही यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन 43 सेम डिटो यहाँ पे चिपक के आ गया थोड़ा अमाउंट वगैरह चेंज हो सकता है बाकी जो कॉन्सेप्ट था सेम क्वेश्चन 43 थ्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन में उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर का जो पार्ट ए था क्वेश्चन नंबर का जो पार्ट ए था वो ऑफेंस एंड पेनल्टी से था बोगस के रिलेटेड था नया क्वेश्चन था ठीक है बट फिर भी अगर आपने ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो आप इजली मैनेज कर सकते थे जो सेकंड क्वेश्चन था मतलब सिक्स का ए का सेकंड पार्ट जो ऑप्शनल में था तो वो अपील एंड रिविजन चैप्टर से था तो ये भी मैनेज किया जा सकता था नॉर्मल क्वेश्चन था जो क्वेश्चन uh, का बी था तो वो ऑडिट एंड असेसमेंट चैप्टर से था सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन है सेम का सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा देन जो सिक्स का सी पार्ट था सिक्स का सी पार्ट था वो आपको कस्टम के बेसिक चैप्टर जो आपका लेवी एंड एग्जामेशन चैप्टर है उसमें आपको डिटो क्वेश्चन मिल जाएगा ये भी आपको ईजिली मैनेजेबल था तो जो ओवरऑल एग्जाम था वो अब बिलो एवरेज था और थोड़ा लेंथी था तो इसलिए प्रॉब्लम अगर आई होगी किसी को पूरा करने में तो शुरू से स्पीड अगर किसी ने पकड़ी होगी तो उसको दिक्कत नहीं आई होगी तो आज के लिए इतना ही आईडीटी का जो मैंने पेपर का आपको रिव्यू करवा दिया गया है थैंक यू सो मच